है, बहुत ऊपर जा रही है, गोली खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रही। और एक बेलपत्र के ये दो पत्ती के बीच में, आप लोग थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप जरूर उसका स्मरण करेंगे, और जितने भी लोग यहां बैठे हैं वो एलईडी के माध्यम से स्मरण करेंगे। तीन पत्ती की बेलपत्र रहती है, जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहां से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, करना जरूर। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पत्र आए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा तो फल मिला कि नहीं मिला, करो। कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। तीन पत्ती का बेलपत्र होता है, जब भी हम शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर दो पत्ती और तीसरी पत्ती के, क्या पीपी कर रहा है साउंड रे, दो पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, उस डंडी को पकड़कर बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान शंकर का स्मरण कर इन बेलपत्र को बीच, दो पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो खाली जगह है डंडी, उसको पकड़कर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाओ। दिन में अगर आज की आज शुगर को लेवल नीचे लाना है तो दिन में तीन बार कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाओ, शाम को चेक करना, शुगर नीचे की ओर आ जाएगी, लेवल पर आ जाएगी। कौन से भगवान का नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का।